Hello friends, in this video I am going to discuss properties of factors and multiples. Let us start with properties of factors. First property is, 1 is a factor of every number and every number other than 0 is a factor of itself. This is first property. Means किसी भी number का जब हम factor निकालेंगे तो उसका 1 और वो number खुद तो दो factors होंगे ही होंगे. This is the first property. वन भी फैक्टर है और वो नंबर अदर देन जीरो इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. क्लियर? मींस अगर फॉर एग्जांपल 24 है तो 24 को हम लिख सकते हैं 1 into 24. सेम वे 65 को लिख सकते हैं 1 into 65. तो यहाँ से डिविजन फैक्ट से क्या मिलेगा? 24 व्हेन डिवाइडेड बाय 1 गिव्स 24 एंड सेम वे व्हेन 24 इज डिवाइडेड बाय 24 आंसर इज 1. इन बोथ द केसेस 1 एंड 24 आर एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 24. सो बाय डेफिनेशन ऑफ फैक्टर्स 1 एंड 24 आर द फैक्टर्स. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. मींस 1 एंड द नंबर इटसेल्फ अदर देन 0, एवरी नंबर अदर देन 0 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी इज अ फैक्टर ऑफ अ नंबर. A factor of a number other than 0 is either less than or equal to the number. Means किसी भी number का जो factor होगा वो या तो number के equal होगा या उससे कम होगा. See here, first property से पता है कि 1 और वो number itself वो तो factor है ही, बाकी जो number होंगे कहाँ होंगे? उनके बीच में. This is the second property. A factor of a number other than 0 is either less than और इक्वल टू द नंबर. फॉर एग्जाम्पल अगर फैक्टर्स निकालते हैं 12 के तो हमें पता है फर्स्ट प्रॉपर्टी से 1 और 12 तो फैक्टर है ही हैं उसके. बाकी जो फैक्टर्स होंगे 12 के वो इन बिटवीन होंगे, लाइंग बिटवीन 1 एंड 12. दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी, इज ईदर लेस देन और इक्वल टू द नंबर. ओके, तो हमने निकाला 2 डिवाइड करता है तो 2 भी फैक्टर होगा, 3 भी होगा, 3 भी डिवाइड कर रहा है, 4 कर रहा है, 4 भी होगा एंड 6 भी होगा. तो दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ द नंबर 12. सो दे ऑल आर लेस देन, दिस इज इक्वल टू 12 एंड ऑल अदर्स आर लेस देन. दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी. अ फैक्टर ऑफ अ नंबर अदर देन 0 इज ईदर लेस देन और इक्वल टू द नंबर. क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज every number is a factor of 0. Since 0 can be written as product of 0 and any other number. हम ऐसे लिख सकते हैं 0 को. 0 can be written as product of 0 and any number. 0 can also be written as 0 into 40. Same way 0 को हम लिख सकते हैं 0 into 58. Okay, so 2, 4, 58, all are what? All are exact divisor of 0 and by definition 2, 4, 58, all others are factors of 0. So we can say every number is a factor of 0. कोई भी number होगा वो 0 का factor होगा. क्यों? क्योंकि 0 को हम 0 और उस number के product में लिख सकते हैं. Okay, this is the third property. Here we note that division by 0 is not possible. We know division by 0 is not possible. So 0 cannot be a factor. Because to be a factor, the number must be an exact divisor. But division by 0 is not possible. So 0 cannot be a factor. But every number is factor of 0. Okay, clear? Next property is every number except 1 has at least 2 factors. Except 1. Because 1 ka to sirf ek hi factor hai 1. Isliye every number 1 ko chhod ke every number has at least 2 factors. Kaun se 2 factors hai? Hame pata hai property 1 se. Ek to 1 hai aur wo number itself. To 2 factors to hai hi hai. Baki usse zyada bhi. At least means 2 or more than 2. Every number has 2 or more than 2 factors. At least means 2 or more. This is the fourth property.
ओके फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फैक्टर्स निकालने हैं फैक्टर्स ऑफ टू तो क्या होंगे, वन एंड टू दो ही आए। अगर हमें थ्री के निकालने हैं तो वन एंड थ्री। अगर फोर के निकालने हैं तो कितने होंगे, वन और फोर तो होंगे ही होंगे, टू भी है, तो दिस इज थ्री नंबर। सो हियर एटलीस्ट टू फैक्टर्स। सेम वे अगर सिक्स का निकालने हैं तो वन थ्री, वन टू थ्री एंड सिक्स, दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ सिक्स। सो प्रॉपर्टी इज एवरी नंबर एक्सेप्ट वन हैज एटलीस्ट टू फैक्टर्स। दो तो होंगे, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ओके एवरी नंबर एक्सेप्ट वन हैज एटलीस्ट टू फैक्टर्स, क्लियर। अब इस प्रॉपर्टी से दो टर्म्स आती हैं, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। फर्स्ट प्राइम नंबर्स क्या है, अ नंबर ग्रेटर देन वन, नंबर ग्रेटर देन वन इज अ प्राइम नंबर इफ इट हैज ओनली टू फैक्टर्स, दैट इज वन एंड द नंबर इटसेल्फ। तो कोई भी नंबर प्राइम नंबर कब होगा, कंडीशन है सबसे पहले मोर देन वन, ग्रेटर देन वन, नंबर शुड बी ग्रेटर देन वन, फर्स्ट कंडीशन टू बी अ प्राइम नंबर। सेकेंड, इट हैज ओनली टू फैक्टर्स, सिर्फ दो ही फैक्टर्स होंगे, वन और वो नंबर इटसेल्फ। ओके फॉर एग्जाम्पल टू, दो ही फैक्टर्स हैं वन एंड टू, थ्री, टू फैक्टर्स वन एंड थ्री, फाइव, वन एंड फाइव, सो टू थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन, दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स, दे ऑल आर ग्रेटर देन वन एंड हैज ओनली टू फैक्टर्स, नंबर वन एंड द नंबर इटसेल्फ, दिस इज प्राइम नंबर। सेकेंड टर्म इज कंपोजिट नंबर, अ नंबर इज अ कंपोजिट नंबर इफ इट हैज मोर देन टू फैक्टर्स, कंडीशन इज इफ इट हैज मोर देन टू फैक्टर्स देन द नंबर विल, नंबर इज कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक नंबर एज फोर, देन फैक्टर्स आर वन टू एंड फोर, मीन्स थ्री फैक्टर्स मोर देन टू। इफ आई टेक सिक्स, देन फैक्टर्स आर वन टू थ्री एंड सिक्स, सो फोर सिक्स एट टेन, दीज आर कंपोजिट नंबर, मीन्स अ नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स आर कंपोजिट नंबर, क्लियर। नेक्स्ट वी नोट दैट वन इज नीदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर, वन ना तो प्राइम नंबर है ना ही वो कंपोजिट नंबर है। सी हियर, हमने कहा था प्राइम नंबर के लिए अ नंबर ग्रेटर देन वन हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, एंड कंपोजिट में मोर देन टू फैक्टर्स, एंड वन का तो एक ही फैक्टर है वन, तो वन जो है वो ना तो प्राइम है ना वो कंपोजिट नंबर है, क्लियर। नेक्स्ट कम्स दी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ वन एंड एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ओके एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ वन एज वेल एज द नंबर इटसेल्फ। सिंस एवरी नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ वन एंड इटसेल्फ, फॉर एग्जाम्पल 40 कैन बी रिटन एज वन इंटू 40, सो 40 इज मल्टीपल ऑफ बोथ वन एंड द नंबर इटसेल्फ, हियर 40। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी, एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ वन एंड एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। सिंस एवरी नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ वन एंड द नंबर इटसेल्फ, सो एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ वन एंड द नंबर इटसेल्फ, दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी इज जीरो इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, जीरो इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। ओके सिंस वी कैन राइट लाइक दिस, 24 इंटू जीरो इज जीरो, आई कैन राइट लाइक दिस, 40 इंटू जीरो इज जीरो, आई कैन राइट लाइक दिस, सो जीरो इज मल्टीपल ऑफ 24, जीरो इज मल्टीपल ऑफ 40। सेम वे वी कैन से जीरो इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, सिंस वी कैन राइट एवरी नंबर लाइक दिस, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एंड द जीरो, सो जीरो इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीपल्स। थर्ड प्रॉपर्टी इज द स्मॉलेस्ट नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ, स्मॉलेस्ट नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। सी जब भी हमें किसी नंबर का से 8 का अगर हम मल्टीपल निकाल रहे हैं तो हम स्टार्ट किससे करते हैं, 8 इंटू 1, 8 इंटू 2,
एंड सो ऑन. तो सबसे छोटा मल्टीपल क्या है? नॉन जीरो मल्टीपल द नंबर इटसेल्फ, 8 है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हमने शुरू 1 से करी है. तो सबसे छोटा नॉन जीरो मल्टीपल क्या होगा? द नंबर इटसेल्फ. दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीपल्स. द स्मॉलेस्ट नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ. क्लियर? सेम वे अगर 30 का निकालना है तो 30 का किससे निकलेगा? 30 × 1, 30 × 2 एंड सो ऑन. तो 30, 60, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? द नंबर इटसेल्फ. क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एवरी नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर. कोई भी नॉन जीरो मल्टीपल अगर हम नंबर निकाल रहे हैं, या वो तो बड़ा होगा या फिर उससे उसके बराबर होगा. दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें वही 8 निकाल रहे हैं तो 8 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 8, 16, 24, 32, 40, दीज ऑल आर द मल्टीपल्स. तो क्या है? एवरी नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ईदर ग्रेटर देन, या ये सारे क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये क्या है? इक्वल टू द गिवन नंबर. दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी. एवरी नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर. या तो वो बड़ी होगी या उसी नंबर के इक्वल होगी. अगर हमें फर्स्ट मल्टीपल ही निकालना है तो 8 × 1 ही है. अगर फर्स्ट 5 निकालने हैं तो हम 5 तक जाएंगे. तो या तो वो बड़े होंगे या फिर वो नंबर के इक्वली होंगे. दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीपल्स. क्लियर? फिफ्थ प्रॉपर्टी इज अ नंबर हैज काउंटलेस मल्टीपल, मींस इनफिनाइट मल्टीपल होते हैं. किसी भी नंबर का जो मल्टीपल्स हम निकाल रहे हैं वो काउंटलेस होते हैं, इनफिनाइट होते हैं. सेम वे यहीं पे जो लिया है हमने 8 वाला, 8, 16, 24, 32 एंड दिस गोज ऑन. These all are the multiples of 8. So we say a number has countless multiples. We cannot count the multiples of a given number. But we know the smallest one is the first smallest number is the given number, the number itself. Clear? All others are more than that given number. So a number has countless multiples. Clear? Okay. Now that's all for this video. Thank you.